बंधुओ एवं श्रद्धाशी बाहर, अभी कुछ देर पूर्व आप हमारे श्री वसंत मुनि जी से विचारों की बात सुन रहे थे। इन्होंने बताया जब आदमी के ख्याल, उसके विचार गिरते हैं तो आदमी का पतन होता है। जीवन के उत्थान और पतन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। बंधुओं, जब ख्याल विचार गिरते हैं तो आदमी पापों की ओर बढ़ता है। विचार अच्छे हों, विचार पवित्र हों, तो वह पापों की ओर नहीं, धर्म की ओर, पुण्य की ओर बढ़ेगा। भगवान महावीर ने जीव के इस आत्मा के उत्थान के लिए फरमाया, बताया, पाव कम्मों नैव कुज्जा। बंधु सुनो, महावीर की वाणी सुनो, प्रभु क्या कहते हैं यह जानो। आचारांग सूत्र का वचन है यह, पाव कम्मो नेव कुज्जा नेव कार विज्जा। मनुष्यो, तुम कभी पाप मत करो, पाप कभी करवाओ भी मत, न करना है न करवाना है। पाप को अच्छा भी मत समझो, कोई और कर रहा है उसका समर्थन अनुमोदन पाप का कभी मत कर। यह पाप कष्टकारी है, दुखकारी है, इसका जो फल और परिणाम है वह दुख रूप है। एक विचारक ने कहा, जहाज के तल में एक छेद हो जाए तो वह एक छेद उस जहाज को डुबो देता, एक छेद जहाज के डूबने का कारण हो जाता है। बंधुओं, जीवन में पाप रूप जो छेद है इसको भी ऐसा ही समझो, यह भी जीवन को डुबोने वाला, जीवन को नष्ट करने वाला है। अतएव
नौका और जहाज में छिद्र कभी अच्छा नहीं होता, जीवन में पाप कभी भी अच्छे नहीं होते। ये पाप क्या है, इसका जो हमारा वर्णन और जिक्र चल रहा है वो कालोदाई के प्रसंग से चल रहा है। कहां से भाइयों, याद आया ना, कालोदाई एक सन्यासी था जो महावीर भगवान के पास में आया था, कर्म की बात पूछने आया था, और भगवान ने उसे बताया कि कर्म आठ होते हैं और एक दूसरे दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, पापक कर्म और पुण्य कर्म। जो तो पापक कर्म है वे दुख रूप होते हैं, जो पुण्य कर्म है भौतिक दृष्टि से सांसारिक दृष्टि से वे सुख रूप होते हैं। तो यहां पाप कर्मों की जिक्र चर्चा चल रही है। थोड़ा सा दोहरा दूं, याद दिला दूं, पाप की परिभाषा की थी, पात इति आत्मानम नरकादिशु, जो आत्मा को गिराता है, पतित करता है, नरक आदि गतियों में डालता है, उसका नाम पाप हो। अभी जो बात में कह रहा था, गिरते हैं ख्याल, ये जब विचार गिरते हैं तो आदमी पाप करता है, और पाप करता है तो ये पाप उस व्यक्ति के जीवन का पतन करता है। जीवन का पतन हुआ, सब कुछ नष्ट हो जाता। जैन धर्म में 18 पाप बताए हैं, कितने भाइयों? जहाज के तो तल में एक छेद हो जाए वही डुबा देता है, और भाइयों जिसके जीवन में ये 18 छेद हो जाए उसकी खैर होगी? इन पापों से दूर रहना चाहिए, पापों से बचना चाहिए। अगर अपने जीवन में तैरना चाहते हो, हित चाहते हो, भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो पापों से दूर रहना चाहिए। बंधु आज इसी बात की मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं, आपने समझना। जैन धर्म में जिसको पाप कहा है, बौद्ध धर्म में उसका नाम अकुशल कर्म है। क्या नाम लिया मैंने? अकुशल कर्म है। अकुशल कर्म पाप को कहते हैं। अभी वहां का शब्द है, उनके परंपरा का शब्द है। भाई अकुशल शब्द वो कहां से लाए, कैसे लाए, किस रूप में और कैसे प्रयोग किया? बंधुओ, कुशल शब्द का हिंदी भाषा में बुद्धिमान के लिए प्रयोग करते हैं। बड़ा कुशल आदमी है, बड़ा बुद्धिमान आदमी है। कुशल शब्द का प्रयोग बुद्धिमान, होशियार, चतुर, उसके लिए करते। बड़ा कुशल आदमी है, बहुत बुद्धिमान आदमी, बड़ा होशियार आदमी, बड़े ऐसे काम करता। कुशल माने बुद्धिमान। पर आपको एक और बात बताऊं, कुशल का ये अर्थ ही नहीं होता। कुशल का बुद्धि से कोई मतलब ही नहीं है। कुशल शब्द बना कैसे? कुशानी लाते इति कुशल है, इसका अर्थ है जो कुशा डाब को लेकर आता उसको कुशल कहते हैं। बताओ भाइयों, अब आप तो आनंद नहीं ले सके, आपने तो ले लिया आनंद, आप नहीं ले सके।
कुशा बंध वो डाभ को कहते हैं, डाभ का होता ना एक पौधा, बहुत होता हरियाणा में तो बहुत होता है, डाभ के होते हैं, बड़े तीखे होते हैं, बड़ी नोक होती है, हाथ लगा दो तो घायल हो जाए हाथ, ऐसे होते हैं बड़े तीखे, उसको उसको कुशा कहते हैं। जो कुशा को डाभ को लेकर आता है उसको कुशल कहते हैं। यहां तो कोई बात ही नहीं हुई बुद्धिमानी की, पर बात हुई। बात कैसे हुई? बात हुई भाव में जाकर के। भाव में जाके कैसे हुई? कि कुशा डाभ को लाने के लिए बुद्धि चाहिए, नहीं तो आदमी घायल होके आ जाएगा। बुद्धिमान आदमी ढंग से पकड़ेगा, ढंग से काटेगा, ढंग से उसको बांधेगा, उसको जिसके पास बुद्धि होगी वही उसे ला सकेगा। मूर्ख आदमी तो घायल होके आ जाएगा। जो आदमी कुशा को ला सके बड़ा समझदार होगा, इसलिए बुद्धिमान अर्थ कर दिया इसका, जबकि इसका कोई बुद्धि से अर्थ नहीं था। यह तो सीधी सीधी बात थी कि कुशा को लाने वाला कुशल होता है, परंतु यहां बात क्या बताई कि जो आदमी बुद्धिमान होगा वही कुशा को ला सकेगा, अन्यथा ला नहीं सकेगा, घायल होके आ जाएगा। फिर बात क्या हुई? हम तो कहीं से कहीं पहुंच गए, बात क्या थी? वहीं चलते हैं, अपने बात से दूर नहीं जाएंगे, बात वहीं है। कुशल माने कुशा को लाने वाला, लाएगा कौन? बुद्धिमान। अब अर्थ भाव में कर रहे हैं, कुशल माने बुद्धिमान। जो कुशल है वो बुद्धिमान है, अकुशल मूर्ख। अकुशल माने क्या होता है? सीधी सी बात है, अकुशल माने मूर्ख। अकुशल कर्म मूर्ख आदमी के काम, अब देखो कहां पहुंचे। अकुशल कर्म का अर्थ क्या हुआ? मूर्ख आदमी के काम, अज्ञानी के काम। अज्ञानी के काम क्या है? पाप होंगे, वो पाप ही करता है। अज्ञानी अच्छे काम तो करने से रहा, अज्ञानी तो ऐसे काम करता है। तो बौद्ध धर्म में पाप के जगह पर अकुशल कर्म शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात जो बुद्धिहीन लोग हैं, मूर्ख आदमी है, जो वो काम करते उसको पाप कहते हैं, वो है पाप। समझ आई बात कुछ भाइयों? पाप अकुशल कर्म है, पाप करना अकुशल कर्म है, पाप को अकुशल कर्म का। और ये जो अकुशल कर्म है, ये अकुशल कर्म बंध वो तीन तरह से होते हैं। और कैसे होते, क्यों कर होते हैं? संख्या में वहां पर इन्होंने 10 बताए हैं। कैसे होते हैं? कायिक अकुशल कर्म, ज्ञान की बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, केवल कहानियों में मत रह जाओ, तत्व को और ज्ञान को समझने की कोशिश करो। अकुशल कर्म उन्होंने 10 बताए, और कौन से बताए? कायिक अकुशल कर्म, काया से किया जाने वाला, काया से होने वाला अकुशल कर्म यानी पाप कौन सा है? वो तीन है। सबसे पहले बताया हिंसा, काया से होती, आपको मन से भी होती, वो जैन धर्म में है, और जगह इतनी बारीकी की बात नहीं, यहां तो बात सहज में कर रहे हैं। काया से किया जाने वाला अकुशल कर्म है हिंसा, एक बात हो। दूसरी बात बताई गई, काया से किया जाने वाला अकुशल कर्म है चोरी। काया से होगा, काया से कोई करेगा, चोरी करेगा, उठा के लाएगा, कुछ करेगा, शरीर का प्रयोग होगा। दूसरा अकुशल कर्म जो है वो चोरी होगा। और तीसरा जो अकुशल कर्म है वह है, वो हुआ करता दुराचार। ये तीन काया से होने वाले अकुशल कर्म पापक कर्म है। और वाचा से होने वाले अकुशल कर्म वो चार होते हैं। ये तीन बताए थे, वाणी के चार होते हैं, और कौन कौन से हुआ करते हैं? झूठ बोलना। समझ में आ गया? तो बात ठीक है, वाणी से होने वाला अकुशल कर्म है झूठ बोलना, झूठ बोलना।
दूसरी बात बताए चुगली करना, चुगली करना भी पाप है, अकुशल कर्म है चुगली करना। वाणी का इसमें प्रयोग होता है, इधर से उधर बातें लगाई बनाई भिड़ाई कुछ विवाद पैदा करे, दूसरा अकुशल कर्म वाणी से वो है चुगली करना, और तीसरा है कटु वचन बोलना, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है, ये खराब है, ये बुरा है। बोलो तो मधुर बोलो। एक पंक्ति याद आ रही है, कड़वी वाणी बहुत बुरी है, कड़वी काटती जाए जैसे छुरी है, काटती रसना मधुर बनाओ कड़वा बोलो ना, रसना मधुर बनाओ वाणी मधुर बनाओ कड़वा बोलो ना, वाणी मधुर बनाओ कड़वा बोलो। कड़वी वाणी बहुत बुरी है। क्या उपमा दी, जैसे छुरी काटती है ना, ये कड़वी वाणी ऐसे काटने का काम करती है, अपनी रसना को अपने जीवा को मधुर बनाना चाहिए। वाणी के अकुशल कर्मों में एक बताया गया कटु वचन कड़वा बोलना, ये पाप है, अकुशल कर्म है। और बंधुओ चौथा बताया गया प्रलाप, यूं फिजूल व्यर्थ जिसका कोई मतलब न हो और बोलते रहना, उसे प्रलाप कहते हैं। ये चार वाणी के अकुशल कर्म।